हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। तो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.5 चैप्टर आपका फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति, और इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो टोटल आपकी एक्सरसाइज जो 1.5 है, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है। तो पाँचों क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। तो फर्स्ट नंबर में आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, परिमेय या अपरिमेय। टोटल इसमें आपके 5 पार्ट हैं, 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 5 आपको दे रखे हैं, जिनको बताना है आपने कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसलिए नोट कर दिया ताकि आपका टाइम जो है वो उसको मैं बचा सकूं। तो परिमेय और अपरिमेय को समझ लेते हैं, उसके बाद आप ही मेरे को बताएंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय जो आपको पिछली एक्सरसाइज में भी समझा चुका हूँ, और इस एक्सरसाइज में आपके भी सेम क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं। परिमेय होता है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो होती है बच्चों, वहाँ क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तीसरी जो इसमें कंडीशन आ जाती है परिमेय संख्या में, पी व क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पी व क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी इन तीनों शर्तों को मान रहा है, तो वो जो दी हुई संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यह है बेसिक आपका परिमेय संख्या। अब अगर कोई परिमेय संख्या यानी इन तीनों कंडीशन को नहीं मान रहा है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आपको अंतर किसमें बताना है, परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो परिमेय नहीं है तो वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। तो आपको सिर्फ परिमेय संख्या की तीन कंडीशन, तीन शर्तों को देखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन इन तीन शर्तों को सही से मान रहा है यानी तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है, तो परिमेय। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको हम डाल देंगे दूसरी साइड, यानी अपरिमेय। तो आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला है कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, 2 तो क्या है, परिमेय संख्या है, बट यहाँ देखेंगे √5। √5 क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ, p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब मान लो मैंने इसके बट्टे में क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो अब ये p बट्टे q के रूप में तो हम इसको लिख सकते हैं, बट जो आपका ऊपर p है वो क्या है, पूर्णांक नहीं है। यहाँ √5 की बात करूँ तो वो पूर्णांक नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो पूरी पूरी संख्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही माइनस में आ जाएंगी, -1, -2, -3। तो यहाँ जो √5 है वो पूर्णांक नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसको अपरिमेय लिखने में। तो चलते हैं अब सेकंड की तरफ। अब यहाँ आपको दे रखा है 3 -√23, और फिर ब्रैकेट क्लोज है और माइनस में दे रखा है √23। अगर यहाँ एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, समझाने के लिए यहाँ कर देते हैं, बाकी डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आप चाहो तो ये भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, 3 - दे रखा आपको √23, ब्रैकेट को मैंने यहाँ ओपन कर दिया, और माइनस का आपको दे रखा है √23, माइनस का √23। ठीक है, अब यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन नोट करने में मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि जो √23 है वो आपका प्लस में होना चाहिए, जो सामने दे रखा है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल, ये जो आपको दे रखा है माइनस में, ये आपको प्लस में दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, इसको उतारने में, नोट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो 3 + √23 - √23, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। अब देखो, प्लस का √23 और एक माइनस का √23 है, तो इसलिए आप कह सकते हैं, अगर आपके पास एक प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है, तो आप क्या बोलोगे, इसको इसको काट दोगे, आपको बोलोगे इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे ही इस √23 से ये √23 हो जाएगा कट, आपके पास आंसर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, और 3 अब आपको पता है कैसी संख्या है, 3 को आप पी बट्टे क्यू के रूप में ले सकते हैं। देखो, पी बट्टे क्यू, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 ही आएगा, तो हम इसके बट्टे में 1 ले सकते हैं, तो ये पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया। और पी और क्यू देख लो, यहाँ पे जो दूसरी शर्त है, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है, क्यू का मान कितना है, 1 है। पी और क्यू कैसे हैं, दोनों पूर्णांक है। देखो, पी का मान 3, क्यू का मान 1, दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आई होप इसको आप अच्छे समझ गए। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में देखो, √7 आपको दिख रहा है, √7 दिख रहा है। जैसे यहाँ √5 क्या था, अपूर्ण संख्या थी, पूर्णांक नहीं था, तो ऐसे ही √7 क्या है, अपूर्ण संख्या। बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है ना। अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको √3 - √3 है, तो आप बोलोगे कि ये तो सेम है, कट जाएंगे ऐसे √3 से, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो ऐसे ही बच्चों देखो, इस √7 से √7 हो जाएगा कट, आपके पास बचेगा कितना, 2/7। और 2/7 देख लेते हैं यहाँ पे कैसी संख्या आपके पास, देखोगे 2 आपकी पूर्णांक है और 7 भी कैसी है, पूर्णांक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि 2/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। देखो, पी बटे क्यू के रूप में आगे √7 से √7 खत्म हो गया, आपके पास जो बचा 2/7 बचा, पी बटे क्यू के रूप में है, जो क्यू है यानी आपका नीचे बट्टे में दे रखा है 7, वो कैसा है, 0 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ 0 नहीं है, तो दूसरी शर्त भी फॉलो कर रहा है। तीसरी, पी व क्यू दोनों पूर्णांक है, देखो 2 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, इजिली ये क्या है, परिमेय संख्या है। खत्म। फोर्थ नंबर देखते हैं।
अब यह देखो पी बटे क्यू के रूप में है, पहली शर्त को ये अच्छे से फॉलो कर रहा है, हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि फॉलो नहीं कर रहा है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा है हम कह सकते हैं। दूसरी शर्त को भी फॉलो कर रहा है, कह रहा है क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखोगे क्यू का मान रूट दो है, जीरो के बराबर नहीं है। अब भैया यहाँ तक तो जब हमने देखा तो ये दोनों क्या कह रहे हैं कि ये तो परिमेय संख्या है, पर जैसे ही हम चले तीसरे की तरफ, थर्ड पॉइंट्स की तरफ चले और हमने देखा कि पी व क्यू होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ देखोगे पी का मान आपके पास एक है जिसको आप बोलोगे पूर्णांक, बट जब आप रूट दो को देखेंगे, रूट दो को देखेंगे तो जैसे रूट पाँच क्या था, मतलब पूर्णांक संख्या नहीं थी, अपूर्ण थी, तो ऐसे रूट दो क्या है, अपूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक नहीं है रूट दो। तो तीसरी वाली शर्त को ये क्या कह रहा है, भैया मैं नहीं मानूंगा इस शर्त को, मैं पूर्णांक नहीं रहूंगा। तो ये देखो जब पूर्णांक नहीं है रूट दो, ऊपर आप बोल सकते हो कि एक पूर्णांक है और पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, क्यू का मान जीरो के बराबर भी नहीं है इसका, बट तीसरी वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, अपरिमेय। अगर उसको परिमेय बनना है तो उसको ये तीनों रूल मानने पड़ेंगे, जबकि इस क्वेश्चन ने इनकार कर दिया कि मैं भैया नहीं मानूंगा, ऊपर के दो मैं मान लूंगा बट तीसरे को नहीं मानूंगा। तो अब देखते हैं इस मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला, यहाँ दे रखा आपको कितना, दो पाई। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो पाई है बच्चों, पाई का मान हमेशा ही अपरिमेय रहता है। अब क्यों अपरिमेय रहता है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, पाई का मान कई बच्चे जानते हैं कि 22/7 भी होता है, और कई बच्चे जानते हैं 3.14 होता है, ठीक है, कई बच्चे जानते हैं कि पाई का मान इतना होता है। तो आप कहोगे कि ये परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 है, पी बट्टे क्यू के रूप में है और 3.14 है, तो पूरी पूरी विभाजित है यहाँ पे, है ना, 3.14 पूरी पूरी संख्या विभाजित है, यानी शांत है, और शांत संख्या कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो 22/7 है, ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, ठीक है। जब आप देखोगे पाई का मान जब 22/7 को सॉल्व करोगे, 22/7 को सॉल्व करोगे तो ये चलता जाएगा आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से चलता जाएगा, 4, 3, 5, मतलब ये चलते जाएगा कंटिन्यू, ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, ये अनावर्ती है, अशांत है और अनावर्ती है, है ना। एक तो आवर्ती पढ़ा हमने, अशांत में आवर्ती वो परिमेय संख्या होती है, और एक हमने पढ़ा अशांत में अनावर्ती वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बस आपको इतना याद रखना है, जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, तो उसके साथ देखो दो, दो तो ये क्या है, पूर्णांक है, बट जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जब पाई की गुणा दो से हो रही है तो परिमेय अपरिमेय एक साथ तो चल नहीं सकते, तो ये क्या बन जाएगी, इस पाई ने इस दो को भी क्या बना दिया, अपरिमेय बना दिया। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस माइंड में इतना सेट कर लो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, 22/7 है, आप चाहो तो इसको 7 से भाग दे करके देख लो 22 में, कि आपका वो कितने पदों में जाकर के उसका आंसर निकल रहा है, वो निकलेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, आई होप इसके आप सारे पार्ट समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आप यहां देख रहे होंगे कि इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जिसको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में कहा है कि दिए हुए प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, और क्वेश्चन जो इसमें एग्जैक्ट लिखा वो क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। टोटल आपके पास 4 है, इन 4 को सॉल्व करना है। उससे पहले हम कुछ सर्व समीकरण देख लेते हैं जो वर्गमूलों से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको ये याद होती है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद करते तो आप इसका डायरेक्ट भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार हम इनका सर्व समीकरण को देख लेते हैं। एक जो सर्व समीकरण होती है, रूट ए की गुणा अगर हम रूट बी से कराएं तो वो क्या हो जाता है, पूरे का रूट लग जाता है, और रूट के अंदर आते हैं ए गुणा रूट बी। यहाँ देखो अलग अलग है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराई तो क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू बी हो जाएगा। ऐसे ही रूट में ए है और फिर बट्टे में रूट बी है, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो रूट पूरे का रूट लग जाएगा, ए बट्टे बी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट में ए माइनस रूट बी है और इधर रूट में ए प्लस रूट बी है, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है वो आपका ए माइनस रूट बी और ए प्लस रूट बी आ जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ नंबर, रूट ए प्लस रूट का बी सॉरी रूट ए प्लस रूट बी पूरे का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। तो ये आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर याद नहीं करते तो आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बट आंसर फिर भी आपका निकल जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ, सरल करना है, तो देख लेते हैं कि इनमें से कोई सर्व समीका बन रही है या नहीं बन रही। देखो 3 + √3, इसको अगर हम ए मान लें, इसको हम बी माने, अब ये देख लेते हैं दो यहाँ पे देखो 3, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ ए ही रहता, तो यहाँ पे देखो सी प्लस क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सभी अलग अलग हैं। तो कोर्स मतलब सर्व समीका तो इसकी भी है, बट वो सर्व समीका सेम टू सेम सॉल्यूशन की तरह आएगी जैसे अभी हम करेंगे, तो इसलिए मैंने वो सर्व समीका यहाँ लिखी नहीं। तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो मैं अभी आपको मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला काम क्या करना है, इस संख्या को यानी जो यहाँ पे रहेगी इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करानी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करानी है। देखो 3 की गुणा 2 में कराएंगे, 3 × 2 = 6,
फिर 3 की गुणा रूट 2 में कराएंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना आपका 3√2। देखो प्लस लगाया, 3 आ गया और 3 की गुणा रूट 2 से कराई, आ गया रूट 2। फिर अब इस रूट तीन की गुणा करानी है इस 2 में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कितना 2√3। दो पूर्णांक है सामने आ गया, रूट 3 आपका अपूर्णांक है यानी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो आपने उसको लिख दिया रूट 3 में। प्लस रूट 3 की गुणा रूट 2 से करानी है, यहाँ देखो रूट 3 की गुणा रूट 2 से करानी, तो आपका क्या हो जाएगा रूट के अंदर रूट 3 गुणा रूट 2 यानी 3 दुनी हो जाएगा आपका 6। किसके अंदर आ जाएगा 6। कैसे किया देखो, रूट 3 की गुणा आप रूट 2 से कराओगे तो 3 की गुणा 2 से कराओगे आ जाएगा कितना 6 और लग जाएगा रूट पूरे का। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपका आंसर दे रखा है यही दे रखा है, इसके आगे ज़्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है, यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा करना चाहें तो फिर भी नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 3+√3, 3-√3, तो इसको अगर हम माने ए और ये आपका इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए माना है आपने 3 को और यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, इसको भी आप ए मान लोगे, माइनस रूट 3 को आपने यहाँ पे बी माना, तो ये भी आपका बन जाएगा क्या बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ रूट है तो यहाँ पे हम इस पर भी रूट लगाते हैं और यहाँ इस पर भी रूट है तो रूट लग गया, तो ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। इधर देखते हैं देखो ए माइनस रूट बी ए प्लस रूट बी, आगे पीछे हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हो, तो इसका जो निकलता है सॉल्यूशन क्या होता है ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मिस हो गई है, इसका जो आइडेंटिटी बनती होती है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस रूट बी और ए प्लस रूट बी को अगर आप लिखोगे सॉल्व करके तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे। ए का मान आपके पास कितना है देखो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, बी का मान आपके पास कितना है रूट 3, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 3 × 3 = 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा आपका 3। कैसे आया 3 देखो, रूट 3 की गुणा आप कराओगे किसमें रूट 3 में, तो आ जाएगा कितना रूट में 9, और रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 3 का होता है, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया डायरेक्ट 3 आ गया, 9 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 6, तो यह है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपने फर्स्ट नंबर किया कि इसका इस 3 का गुणा पहले इन दोनों में कराओ फिर इस रूट 3 का गुणा इन दोनों में कराओ, तो फिर भी आपका आंसर इतना ही आएगा। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपको दे रखा है देखो √5+√2 का पूरे का होल स्क्वायर, तो ये जो आइडेंटिटी बन रही है देखोगे आप पाँचवीं वाली बन रही है √a+√b का होल स्क्वायर, तो इसको √5 को मान लेते हैं √a का √a प्लस है आप में आपका बीच में और यहाँ पे जो b है उसको मान लेते हैं मतलब √2 को मान लेते हैं b और पूरे का स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका किसका a प्लस बी, फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस बी और आपका है प्लस 2√ab। इसी फॉर्मूले में आप क्या रख देते हैं मान रख देते हैं, जब आप मान रखोगे देखो a का मान कितना आपने आपके पास सॉरी यहाँ पर जो रूट ए है रूट ए कितना आपके पास √5, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5 है ना, रूट ए का स्क्वायर आप जब आप करोगे 5 आ जाएगा, ऐसे बी आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 2 रूट में आपका क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास कितना गुणा में 2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 और 2 हो जाएगा 7 प्लस का हो जाएगा 2 रूट में कितना आएगा 5 × 2 = 10। एक तो देखो डायरेक्ट आंसर निकल गया कितना 7+√10, और इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको अलग से भी करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर, तो देखते हैं देखो √5+√2 है, √5+√2 और पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये दो बार लिख सकते हैं हम इसको √5+√2, स्क्वायर का मतलब क्या दो बार, तो यहाँ पर √5+√2 आप इसको लिख लो दो बार, पहले √5 की गुणा इन दोनों में कराएंगे, देखो √5 की गुणा √5 में कराओगे कितना हो जाएगा रूट में 25 प्लस √5 की गुणा √2 में रूट में 10, फिर ऐसे ही √2 की गुणा इन दोनों में कराओगे तो √2 की गुणा √5 में कराओ पहले कितना हो जाएगा रूट में 10 प्लस √2 की गुणा √2 से आ जाएगा आपका कितना 2। ठीक हो गया, 25 को देखो आप कितना लिख सकते हो 5 प्लस √10 प्लस √10, दो बार आया √10 तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको √10 प्लस का हो जाएगा देखो यहाँ पे 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस √10। देखो सेम वही आंसर आया है, नहीं आया 7+√10 जो फॉर्मूले में रखने पर आपकी वैल्यू आई है। तो थर्ड नंबर कंप्लीट, अब चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर आपका देखो a माइनस बी, यहाँ देखोगे अगर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है आपकी ये वाली तीसरी वाली, इसको अगर हम रूट में a मान ले माइनस रूट बी, ऐसे ही आपका रूट a प्लस रूट बी आइडेंटिटी बन रही है, इसको आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं a माइनस बी, क्या लिखते हो a माइनस बी, तो a आपने किसको माना है
रूट पाँच को। तो रूट पाँच देखो, रूट के अंदर आपका इस रूट से ये रूट कट हो जाएगा। अगर खाली मैं बोलूँ ए का मान कितना, तो आप बोलोगे पाँच, पाँच आ गया ऐसे ही। इस रूट से ये रूट अगर ख़त्म कर दे, बी का मान अगर मैं पूछूँ आपसे कितना, बी आप बोलोगे कितना, दो। तो पाँच माइनस दो करोगे आपका कितना आ जाएगा, तीन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो आपका निकल के आ गया तीन। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप अच्छे समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आ रहा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, ये इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और इजी वे में सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ता हूँ बच्चों, उसके बाद समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें जैसे कहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है, वृत्त की परिधि को हम सी मान लेते हैं, और उसके व्यास जिसको हम डी मान लेते हैं के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक हो गया, अर्थात बोला है पाई बराबर क्या है, सी बटे डी है। यह इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो हमसे कहा है कि पाई बराबर क्या है, सी बटे डी है। अब जैसा कि आपको पता है, ये जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि पाई बराबर सी बटे डी आखिर है क्या। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है क्या होती है, टू पाई आर होती है। परिधि को आप बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जिसको आप दिखाते हैं सी से, और डी होता है आपका, यहाँ देख रहे होंगे डी मैंने लिखा है, डी क्या होता है आपका डायमीटर यानी व्यास। डी बराबर होता है आपका व्यास और सी आपकी होती है परिधि। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब जो व्यास होता है वो क्या होता है, कंप्लीट, यानी आप एक वृत्त के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो आपका क्या बनता है, व्यास बनता है। और व्यास का क्या होता है, दुगना, ठीक है, सॉरी, व्यास की आधी को आप क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे ये कंप्लीट व्यास है और इसकी अगर हाफ कर दे तो आपकी क्या बन जाएगी, आधी त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, परिधि निकाल दे, तो आपको जो फॉर्मूला बनता है टू पाई आर बनता है। तो यहाँ से अगर मैं टू आर कर दूँ, देखो टू आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर टू आर हो जाएगा, यानी ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा आपका, डी व्यास बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने टू आर बराबर क्या रख दिया, डी आर रख दिया। देखो यहाँ से टू और यहाँ से आर को निकाला, टू आर को मैंने क्या कर दिया, डी, टू आर बराबर डी आ गया, यहाँ पे पाई बचा। अब मुझे क्या बताना है, पाई बराबर दिखाना है सी बटे डी, पाई बराबर दिखाना है सी बटे डी। अब क्वेश्चन में आपको जो बोला है वो ये कहा है, पहले मैं लिख लेता हूँ पाई बराबर सी बटे डी। यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा कि पाई बराबर सी बटे डी कहाँ से और कैसे आया। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इधर आप देख रहे होंगे कि सी बटे डी क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, ये परिमेय संख्या, तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो। तो यही इसमें क्या हो रहा है, अंतर विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, यानी गलत फहमी हो रही कि अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना, बट यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना बच्चों, ये आपको अपरिमेय दिख रही है। आपको पता है मैंने इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बताया कि पाई अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन में भी क्लियर बोला है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इधर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पी बटे क्यू के रूप में लिखा है इसको। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, अच्छे से जानते हैं आप, परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पी व क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो भैया सब हो रहा है, देखो पी बटे क्यू के रूप में है, क्यू का मान जीरो नहीं है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो अब ये कैसे संभव है, क्वेश्चन ये कह रहा है कैसे संभव है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है ना। तो इसमें सिर्फ जो विरोधाभास है वो उसको हम क्लियर करेंगे कि यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परंतु जैसा कि हम देख पा रहे हैं C बटे D एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या, क्योंकि कोई भी, ये आपको सिर्फ लिखना है, याद करना है बस, और इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर संख्या
संख्या के बराबर नहीं हो सकती, हो सकती है। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः पाई अगर क्या है अपरिमेय संख्या है, अतः पाई अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, तब जो आपका सी बट्टे डी है, सी बट्टे डी भी अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। इसको हमने समझाने के लिए क्या लिख दिया कि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो सी बट्टे डी भी अपरिमेय होगी। बस आपने इतना ही इसमें याद करना है। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेन जो है इसमें ये लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को स्क्रीनशॉट करके आप हमारे पास रख सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फोर में बच्चों क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, इसमें कहा है रूट में 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाइए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा आप अच्छे से समझते हैं, संख्या रेखा क्या होती है, यानी एक ऐसी रेखा जिस पर हम क्या दिखाते हैं संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। तो अब इसको संख्या रेखा पर दिखाने से पहले आप क्या करेंगे, भूल जाओ कि आपका जो रूट है वो इस पर है नहीं, आपका सिर्फ कितना है 9.3। और जो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ, जब आप इसको आप फेयर में नोट करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करोगे, तो आप जो जो एपरेटस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो जो औजार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी हेल्प लेनी है, तो आप उसी के हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप मेरी तरह नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर स्केल की हेल्प नहीं ले सकता मैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको अलग से पेज में आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ आप समझ, यहाँ आप देखिए बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपकी नहीं रह जाएगी। तो भूल जाते हैं कि आपके पास कितना है, रूट नहीं है आपके पास, सिर्फ कितना है 9.3 है। तो जो सबसे पहले जो पहला काम आप करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, संख्या रेखा क्या, एक रेखा खींच लेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी 9.3 होगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मान लेते हैं दो बिंदु ए व बी है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 9.3 सेंटीमीटर है। पहला काम आपने क्या किया, एक रेखा खींची जिसकी लंबाई 9.3 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो अगला काम करोगे आप, वो क्या करोगे, इस बिंदु B से एक सेंटीमीटर की दूरी और ले लोगे, कितनी, एक सेंटीमीटर की दूरी और ले लोगे, इसको आप पॉइंट दे दो नाम C। पहला काम एक संख्या रेखा खींची ए व बी जिसकी लंबाई कितनी है 9.3 सेंटीमीटर है, फिर आपने स्केल लिया, और जो ये आप बनाओगे ये एग्जैक्ट आपने स्केल की हेल्प लेकर के बनाना है, और उसमें आपने देखना है 9.3 सेंटीमीटर। अगला जो दूसरा स्टेप है वो आपने क्या किया, बिंदु बी से बिंदु सी तक एक रेखा खींची, यानी बी को सी तक बढ़ाया, जो आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है, दूसरा काम हो गया। अब तीसरा जो काम है वो आपने क्या करना है, इस बिंदु सी पर रखना है प्रकार को, क्या रखना है प्रकार, ठीक है, प्रकार को रखना है, और आधे से ज़्यादा, ये जो आपकी रेखा है इसको आधे से ज़्यादा, जैसे अगर मैं बोलूँ 9.3 पहले था आपके पास और अभी आपने इसको एक और बढ़ा दिया, तो टोटल आपका कितना हो गया 10.3। तो आपने प्रकार को रखना है पॉइंट सी पर और आधे से ज़्यादा खोलना है, टोटल आपका कितना है 10, और 10 का अगर आप आधा करोगे तो लगभग 5.15 आएगा, 5.15 आएगा। तो आधे से ज़्यादा यानी आप 6 तक खोल लो। ठीक है, आप प्रकार खोलो, प्रकार और आप स्केल में देख लो टोटल कितना 6 सेंटीमीटर। तो मान लिया जो आपका 6 सेंटीमीटर आएगा, अगर मैं उससे अगर चाप लगाऊं, प्रकार को यहाँ रखा, प्रकार आपको पता है इस तरह से चलेगा, तो आपका जो एक चाप लगेगा यहाँ लग गया, और दूसरा चाप मान लिया आपका इस जगह पर लग गया। ठीक है, आपने क्या किया, प्रकार को खोला, पॉइंट सी पर रखा, और एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगा दिया। ठीक है, लगभग इस तरह से का एक आपका चाप लगेगा। फिर अगला काम क्या करना है, प्रकार को आपने बिल्कुल भी ना हिलाना डुलाना कुछ नहीं करना, ना खोलना ना बंद करना है, जैसे यहाँ रखा था जितना आपने कट इधर लगाया, प्रकार को बिना खोले आपने लाना है बिंदु ए पर, पॉइंट ए पर, और सेम वैसे ही आपने पॉइंट ए पर रख करके फिर एक आपने कट लगा देना है। तो देखोगे आप कहीं ना कहीं ये दोनों बिंदु ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे। जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बच्चों, वो आपका उसको आपने क्या कर देना, आपने आमने सामने उसको मिला देना है। पहला काम आपने क्या किया, ए बी रेखाखंड खींचा 9.3 सेंटीमीटर, आप रूट को भूल जाओ कि अभी रूट लगाए, ए बी एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 9.3 सेंटीमीटर ली। फिर आपने क्या किया, बिंदु बी को बिंदु सी तक बढ़ाया, जो बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है। फिर आपने जो ये निकाला, इसको आप क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, लंब समद्विभाजक बोलते हो आप हिंदी में, यानी जो आपकी रेखा है इसको बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, लंब समद्विभाजक कहलाती है।
ठीक है, मैं यानी सी पर आपने प्रकार रखा, आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप लगाया इधर से, ऐसे ही एक चाप लगाया आपने इधर से, फिर वैसे ही बिना प्रकार को हिलाए डुलाए आपने बिंदु ए पर रखा, एक चाप लगाया यहाँ, एक चाप लगाया नीचे, तो देखोगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वहाँ से आपने क्या मिला दिया, इन दोनों चापों को आपस में मिला दिया। और ये जो आपका पॉइंट निकल के आया, इसको आप मान लो कितना, ओ, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने इसको क्या मान लिया, ओ। कितने स्टेप हो गए, पहला काम एक रेखा खींची, बी से सी मिलाया, फिर एक चाप आधे से ज़्यादा खोल करके एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, फिर ए को रखा, फिर एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर मिला, फिर जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं आपने इन दोनों को आपस में मिला दिया, एक आपका आ गया मिड पॉइंट आ गया ओ। अगला काम क्या करना है, आपने बिंदु बी पर, कहाँ पर, बिंदु बी पर क्या लगाना है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है। कहाँ पर, बिंदु बी पर। अब 90 डिग्री एंगल कैसे बनाओगे, प्रकार खोला, प्रकार खोलो, एक कट यहाँ लगेगा, ठीक है, फिर प्रकार को ले जाओ, आप चाहो तो जो आपका चांदा होता है इस टाइप का आपका डिज़ाइन होता है, आप उसको रख करके सीधा सीधा 90 डिग्री, अब आपको पता है 90 डिग्री अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, तो आपने क्या करना है, बट 90 डिग्री करने से पहले एक काम और आपने क्या कर लेना है, बिंदु बी पर, और अब ये देखो आपका क्या गया, सेंटर पॉइंट आ गया ना, ठीक है, ये अभी इसको भूल जाओ कि अभी मैंने कुछ बताया। जब आपने इसको आपस में मिला दिया तो आपका जो बिंदु ओ निकल के आया, वो क्या कर रहा है, इस रेखाखंड ए और सी को क्या कर दे रहा है, बराबर दो भागों में बांट दे रहा है, ठीक है, ए और सी को बराबर दो भागों में बांट दे रहा है। अब आपने जो काम करना है वो क्या करना है, यहाँ से ए से आपने प्रकार की सहायता से, यानी प्रकार आपने रखना है इस बिंदु ओ पर, और पूरा एक मिला देना, देखो जब आप ए को खोलोगे तो ये आपका लगभग इस तरह से आपका अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है, जब आप प्रकार में कॉपी से करोगे तो आपका एक अर्धवृत्त बनेगा। बिंदु ओ पर रखना है प्रकार को और ए तक खोल लेना है, ठीक है, और आप देखोगे जितना ए पर आ रहा है इतना ही आपका सी पर जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि छोटा बड़ा हो जा रहा है, बट जब आप कॉपी में बनाओगे एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ से आपने कहाँ खोल लिया, ए तक खोला, और ए से आपने क्या बना दिया, एक अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा था, आपका एक जो चांदा होता है उसको आपने यहाँ रखना है, और बिंदु बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब अगला जो काम है वो क्या काम है, आपने करना है इस बी, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एम, यानी ये जो आपका अर्धवृत्त बना उसको जो बी से एक रेखा गई जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है वो एम पर काट रहा है, उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इस बी और एम को नाप लेना है, बी और एम को नाप लेना है, जितना आप यहाँ नापोगे बिंदु बी पर रख करके आपने एक चाप लगा देना है, ठीक है, बिंदु बी पर नापा इतना है, तो यहाँ से आपने इस तरह से रख करके प्रकार एक ये बन गया आपका लगभग इस तरह से, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, इस बिंदु सी को आगे बढ़ा देना, और जहाँ पर ये आएगा इसको आप नाम दे दो, कुछ भी एम दे दिया आप इसको एन लिख दो, ठीक है, क्या क्या आपने इसको नापा, और एक यहाँ से बिंदु बी पर रख करके एक आप चाप लगाया, तो जहाँ पर ये इस रेखाखंड यानी ए बी रेखा ए सी रेखाखंड को जहाँ पर ये काट रहा है, ठीक है, उसको आपने नाम दे दो एन। तो ये जो आपका बी और एन निकल के आया, बी और जो एन निकल के आया वही आपका क्या है, रूट 9.3 है। तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दोगे बी एन बराबर 9.3, रूट 9.3, ये है आपका आंसर। अब जो जैसे जैसे हमने रचना की, देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी आपकी ना रह जाए। सबसे पहला काम, आपने रूट 9 को, रूट को आप भूल गए, सिर्फ आपने ये देखा 9.3 आपके पास। तो सबसे पहले आपने एक रेखाखंड खींची ए और बी, जिसकी लंबाई आपने स्केल में देखी 9.3 ली। उसके बाद आपने क्या किया, बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, तो यानी बी सी बराबर आपने ले लिया कितना, 1 सेंटीमीटर। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने रचना लिखनी है। B को C तक बढ़ाया जो कि 1 सेंटीमीटर है। अगला काम आपने क्या किया, बिंदु C पर आपने प्रकार को रखा और आधे से ज़्यादा खोला और एक क्या खींच दिया, चाप लगा दिया इधर ऐसे ही, फिर C को नीचे की तरफ एक चाप लगा दिया C को केंद्र मानकर, फिर बिना प्रकार को हिलाया हमने बिंदु A पर रखा और A पर एक चाप लगाया ऊपर से और एक नीचे से चाप लगाया, फिर जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं हमने इनको आमने सामने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। फिर जो आपका AB रेखाखंड है यानी AC रेखाखंड है, उसका जो मध्य बिंदु जहाँ पर वो उस रेखा को क्रॉस कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया O, ठीक है, O क्या आ गया आपका, सेंटर पॉइंट आ गया। फिर आपने अगला जो स्टेप लिया वो क्या लिया, बिंदु O को केंद्र मानकर A और किसको नापा, C को नापा, तो आप देखोगे O से A की दूरी बराबर है किसके, O और C के बराबर, ठीक है। तो बिंदु O को केंद्र मानकर आपने बिंदु A तक की त्रिज्या ली और A को A से जो त्रिज्या आपने ली उसका पूरा एक क्या बना दिया आपने, एक अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक हो गया, जो ए से लेकर के सी तक जाएगा। अगला काम क्या कर लेना आपने, चांदे की सहायता से बिंदु बी पर रख करके आपने 90 डिग्री का एक एंगल ले लेना है, ठीक है, और आपने एक लंब डाल देना है। फिर अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, बी और एम को नापा, यानी प्रकार में आपने बी और एम त्रिज्याखंड लिया और बी पर, बी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया, ठीक है, कहाँ तक, जो आपकी रेखाखंड मेन है। तो वहाँ पर जब आपने चाप लगाया तो देखा एन पर जा करके ये जो आपकी रेखाखंड है ए और एक्स
ये एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है कहाँ पर, बिंदु एन पर। तो जो आपका बिंदु बी बी और एन है, ठीक है, बी से लेकर के एन तक की जो दूरी है वो कितनी है, रूट 9.3 है। तो इस तरह से बी एन आपका निकल के आ गया रूट में 9.3। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप अच्छे समझ गए होंगे, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाला आप हमको अलग से एक कॉपी में कर इसका सॉल्यूशन दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आप यहाँ पढ़ रहे होंगे क्या लिखा है, हर का परिमेयकरण, यानी इस क्वेश्चन में आपको करना है हर का परिमेयकरण। और इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहला आपका 1/√7, दूसरा है आपका 1/√7 - √6, तीसरा है आपका 1/√5 + √2, और चौथा है आपका 1/√7 - √2। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आपने सुना होगा P/Q, ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को आप बोलते हैं हर, ठीक है। अब यहाँ आपको एक शब्द देखने को मिल रहा होगा हर, और क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा क्या करने के लिए कहा है, हर का परिमेयकरण। अब आपको ये पता चल गया हर कौन सा होता है, जो बट्टे में होता है, क्लियर हो गया। अब इसका परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण क्या होता है, जो बट्टे में आपकी संख्या है, अभी आपके पास बट्टे में क्या है, क्यू है, तो इस संख्या को आपने क्या करा देना है, गुणा और भाग करा देना है। बट्टे में क्यू था, क्यू का आपने क्या करा दिया, गुणा और भाग करा दिया, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा पी क्यू, और बट्टे आ जाएगा आपका कितना, क्यू स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया। सिर्फ इतना ही काम करना है। और अगर आपका क्या है, बट्टे में आपके पास दो संख्या, मान लिया क्यू है और आपके पास माइनस का आर है, क्या मान लिया, बट्टे में आपके पास दो संख्या है, तब आप क्या करोगे, तब हर का परिमेयकरण जो होता है सेम यही चीज़ तो यही होगी, जो बट्टे में वो गुणा और भाग में चल जाएगी, पर जब दो संख्या हो जाएंगे आपके पास, जैसे मान लो क्यू और आर हो गया, तो जब आप इसको क्या करोगे, गुणा में ले जाओगे, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। देखो बट्टे में भी जाएगा तब भी रहेगा ऐसे ही, मतलब माइनस है प्लस हो जाएगा। बस इतना आपने यहाँ माइंड में सेट कर लेना है कि जब भी हर का परिमेयकरण करना है, जो भी बट्टे में संख्या है, अगर एक सिंगल संख्या है तो वो तो सिर्फ गुणा और भाग में चल जाएगी, कोई उसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, बट दो संख्या आपको दे रखी होंगी तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आई होप बच्चों ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी के बेस पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। फर्स्ट में आपको दे रखा है 1/√7, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1/√7 हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप बच्चों ये आपका जो भी डाउट होगा इसको लेकर के वो क्लियर हो गया होगा, है ना, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो समझने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कहा है हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण करने पर, जैसे आपने अभी देखा जो बट्टे में आपकी संख्या रहती है वो किसमें आ जाती है, गुणा और भाग में आ जाती है, बट जब सिंगल रहती है तब उसको कोई चिन्ह नहीं बदलता है। √7 × 1 से कराओगे कितना आ जाएगा, √7 रहेगा। बट्टे में देखो √7 × √7 ये आपको पता होना चाहिए, और जैसे आपने यहाँ देखा √a × √b तो आपका आ जाता है रूट के अंदर कितना, आप इसको क्या लिख दोगे, 7 × 7 लिख सकते हो, है ना, यही तो आपका जो पहला आपका सर्वसमिका वहाँ लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो 7 × 7 से कराओगे कितना आ जाएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 7 का होता है। आई होप बच्चों ये आप अच्छे से जानते होंगे कि 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बट्टे में 7, √7 × √7 से कराओगे कितना आ जाएगा, रूट में 49, और √49 को आप कितना लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। तो ये हो गया कौन सा नंबर आपका, फिफ्थ का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया बच्चों, √7/7, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर में जो आपको दे रखा है क्वेश्चन वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या है, 1/√7 - √6, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मार्कर को भी मैं बदल लेता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को मिक्स ना कर दें। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर में दे रखा है क्या, 1/√7 - √6 ये दे रखा है। अब इसका भी क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों ये जो आप अभी देख रहे हो, हर का परिमेयकरण करने पर, जब आप परिमेयकरण करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/ मैंने क्या कहा, जब दो संख्या आती है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये 1 तो ऊपर ऐसे रहेगा, अब चिन्ह बदलेगा, गुणा और भाग में तो सेम जाने ही जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा √7, चिन्ह बदलेंगे देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर आ जाएगा √6, ऐसे ही हो जाएगा आपका नीचे भी √7 + √6। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, देखो 1 की गुणा अगर √7 में कराओगे तो आपका कितना आएगा,
रूट सात आना है, ऐसे ही फिर एक की गुणा आप रूट छः में कराओगे तो सेम आपका रूट छः आएगा, जो चेंज होना है नीचे होना है। देखो अगर मैं इस रूट सात को ए मान लूँ, ठीक है रूट ए मान लेता हूँ, ऐसे ही रूट सिक्स को मैं मान लेता हूँ रूट बी, ठीक है। और ऐसे देखो ये हो जाएगा आपका रूट सेवन ए प्लस रूट सिक्स हो जाएगा आपका कितना रूट बी। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी कौन सी सर्व समीकरण है, ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा ए माइनस बी आएगा। तो ए आपका कितना, अगर मैं सिर्फ देखो यहाँ रूट से रूट काट दूँ, रूट से रूट हटा दूँ नॉर्मली, अगर मैं खाली आपसे ए का मान पूछूँ तो ए का मान आप कितना बोलोगे सात बोलोगे, तो नीचे आ जाएगा आपका कितना सात। फिर आपका देखो क्या है माइनस बी आपका कितना है, बी आपका दे रखा है कितना छः। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, देखो रूट आपका रूट से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ देखना है ए कितना है सात, बी कितना है छः। अगर आपसे पूछते कि रूट ए का मान कितना है तब आप बोलते हैं रूट सात, सिर्फ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ देखो फॉर्मूला आपका क्या है नॉर्मल ए माइनस बी है, तो आप क्या बोलोगे ए कितना है सात और बी कितना है छः, बी का मान आप रख दोगे यहाँ पे छः। तो जो सॉल्व करके आएगा देखो ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर कोई चेंज नहीं होना, रूट सात प्लस रूट छः ऐसे रहेगा, बट्टे में सात माइनस सिक्स करोगे आ जाएगा वन। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो और आप चाहो तो यहाँ से एक को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंप्लीट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, फिर से मार्कर बदल लेता हूँ थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड जो है आपका वो तो और सबसे ज़्यादा ईजी है अभी तक आपने जितने किए, थर्ड नंबर में आपको दे रखा है एक बट्टे रूट पाँच प्लस रूट दो, क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, अब परिमेयकरण में क्या हो जाएगा जो भी आपका दे रखा है वो बट्टे में, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा यहाँ कोई चेंज नहीं होना, बट जब आप उसको गुणा में ले जाओगे और भाग में ले जाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा आपका रूट पाँच माइनस रूट दो। फिर आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि एक आ गया ऊपर, एक की गुणा जब आप ऊपर इसमें कराओगे तो ये सेम ऐसे ही नोट हो जाएगा रूट पाँच माइनस रूट दो, बट्टे में फिर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो ए माइनस बी लिख सकते हो। तो ए का मान यहाँ पे आपका पाँच और माइनस आपने करना है बी, बी का मान कितना दो, तो जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा रूट पाँच माइनस रूट दो और बट्टे में आ जाएगा देखो पाँच में से दो घटाओगे कितना बचेगा तीन। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, थर्ड नंबर का आंसर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको या तो आप क्या कर लो रूट पाँच की गुणा पहले इसमें करा लो, है ना, आप चाहो तो इनका अलग अलग सॉल्व कर, रूट पाँच की गुणा पहले इन दोनों में कराओ फिर रूट दो की गुणा इन दोनों में कराओ, ठीक है। नहीं तो आप बस ये सर्वसमीकरण याद कर लो कि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए माइनस बी जब रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड नंबर का कंप्लीट, अब देखते हैं लास्ट यानी फोर्थ नंबर इसी का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ नंबर। फोर्थ जो दे रखा है वो आपको दे रखा है एक बट्टे में रूट सात और फिर आपका माइनस दो, यहाँ भी सेम चीज़ लिखेंगे क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करोगे तो एक तो ऐसे रहेगा कोई चेंज नहीं है, रूट सात माइनस रूट सात माइनस दो ये भी ऐसे रहेगा, बट जब हम इसके गुणा और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट सात प्लस दो और बट्टे में हो जाएगा आपका रूट सात प्लस दो। जब आप इसका हर का परिमेयकरण कर रहे हो तो यहाँ देखो ये तो ऊपर सेम आएगा, जब एक की गुणा इसमें कराओगे एक की गुणा रूट सात और रूट दो में प्लस रूट प्लस दो में कराओगे तो आपका ऊपर तो सेम आ जाएगा रूट सात प्लस दो ऐसे ही रहा, बट्टे में देखो रूट सात माइनस दो, ठीक है। तो ये देखो आपका कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं दिख रही है तो इसको मैंने शायद छोड़ रखा है, इसके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं, नहीं तो आप क्या मान लो इसको आप मान लो ए और इसको आप मान लो क्या बी, ठीक है। ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपकी यही है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं एक साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर हो सकता है स्क्रीन में ना दिख रहा हो, है ना। तो देखो ए हो जाएगा आपका रूट सात और बी हो जाएगा आपका कितना दो, ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गई और यहाँ पे ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी में जब हम मान रखेंगे तो ऊपर तो सेम रहेगा आपका रूट सात प्लस आपका आ जाएगा नॉर्मल टू और बट्टे में आ जाएगा आपका ए का मान रूट सात, ठीक है रूट सात का स्क्वायर और आपका दूसरा आ जाएगा कितना, यहाँ देखो ये वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दूसरा हो जाएगा आपका कितना बी का मान दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस दो का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ऊपर सेम रहेगा रूट सात प्लस दो बट्टे में आ जाएगा रूट सात का स्क्वायर करोगे कितना कितना आएगा सात और दो का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा माइनस का
चार, तो यहाँ आ जाएगा टोटल जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा रूट सात प्लस दो बट्टे में आ जाएगा सात माइनस चार करेंगे कितना बचेगा, चार पाँच छः सात, तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मेन आप अगर इन आइडेंटिटी को याद कर ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो आप जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कराया था, फर्स्ट में सॉल्यूशन कराया कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी आप करा सकते हो, वैसे भी आप आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मैं एक बार आपको अलग से भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, रूट सात माइनस रूट सात माइनस दो रूट सात प्लस दो का, यानी इन दोनों का गुणा हम डायरेक्ट करके कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो रूट सात माइनस दो और इधर आपके पास रूट सात प्लस दो, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आपको ऐसे फॉर्मूले से समझ में ना आ रहा तो आप डायरेक्ट भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखो इसकी रूट सात की गुणा पहले इन दोनों में करानी है, फिर दो की गुणा इन दोनों में करानी है, तो रूट सात की गुणा रूट सात से कराओगे कितना हो जाएगा, रूट 49, रूट में 49, और रूट 49 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, सात का होता है। फिर रूट सात की गुणा दो में कराओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का दो रूट सात माइनस, फिर इस दो रूट सात दो की गुणा इन दोनों में करानी है तो देखो माइनस का माइनस आ गया, दो की गुणा रूट सात में कराओगे आ जाएगा दो रूट सात, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस दो के गुणा दो में कराओगे कितना हो जाएगा चार, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, इससे ये हो जाएगा कट, सात में से कितना बचा चार, सेवन माइनस फोर, तो जब सात में से चार कटाओगे कितना बचेगा, तीन बचेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आ गया कितना आया, तीन, देखो बट्टे में कितना, तीन, मैंने किसको सॉल्व किया, जो आपका ये बट्टे में, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया, ना कि ऊपर वाले को, ऊपर तो आपका ऐसे ही रहेगा, तो अगर आप ऊपर इसमें लिखना चाहो तो ये आपका जो आंसर आएगा रूट सात प्लस दो और बट्टे में कितना आ जाएगा तीन, देखो यही आंसर आया सेम टू सेम। तो ये हो गए बच्चों आपकी एक्सरसाइज कौन सी 1.5 कंप्लीट। आई होप बच्चों एक्सरसाइज 1.5 को आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी आपका पार्ट आपको समझ में आया हो तो जरूर प्लीज़ एक प्यारे से कमेंट डाल देना कि सर ये क्वेश्चन या ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और इजी वे में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।